YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का यह वीडियो क्लास टू विषय हिंदी निबंध पे है, तो आइए आज हम लोग आम पे निबंध लिखना जानते हैं। तो बच्चों, यह आम है और हम इसी के बारे में आज जानेंगे और इसके बारे में लिखेंगे भी। आम शुरू में कैसा होता है, पक जाने पर क्या कैसे होते हैं और इससे क्या क्या हम बना सकते हैं, आज हम ये निबंध के माध्यम से जानेंगे। आइए शुरू करते हैं आम पे निबंध। बच्चों, यह आम है, यह किसका चित्र है? यह आम का चित्र है। ये आम फलों का राजा होता है। आम क्या होता है? फलों का राजा होता है। आम भारत का राष्ट्रीय फल होता है, इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। यह गर्मियों के मौसम में पाया जाता है। यह फल कच्चे में हरा और पक जाने पर पीला रंग का होता है। बच्चों, हम आम से विभिन्न सामग्री बना सकते हैं, जैसे कि आम से अचार, आम की चटनी, मुरब्बा, शरबत आदि हम बना सकते हैं। यह अत्यंत स्वादिष्ट एवं लाभदायक फल है। बच्चों, तो एक बार हम ये वीडियो को फिर से दोहराते हैं। आइए देखिए, आम फलों का राजा होता है। आम क्या होता है? सभी फलों में राजा होता है। आम को राजा माना गया है सभी फलों में। आम भारत का राष्ट्रीय फल होता है, इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। यह गर्मी के मौसम में पाया जाता है। यह फल कच्चे में हरा और पक जाने पर पीला रंग का होता है। बच्चों, यह आम का फल सिर्फ गर्मियों के मौसम में ही पाया जाता है और जब ये कच्चा रहता है तो हरा रंग का और पक जाने पर पीला रंग का हो जाता है। आम से हम विभिन्न तरह की सामग्री बना सकते हैं, जैसे कि आम से अचार, चटनी, मुरब्बा, शरबत जिसे हम लोग जूस कहते हैं आदि बना सकते हैं। यह अत्यंत स्वादिष्ट एवं लाभदायक फल है। बच्चों, यह मीठा है ही और स्वादिष्ट तो है ही, लेकिन यह बहुत लाभदायक फल भी होता है। इसलिए आप लोगों अर्थात बच्चे और बूढ़े सभी को बहुत पसंद होते हैं, इसलिए आप सभी यह आम का फल जरूर खाएं। यह सबके लिए लाभदायक और गुणकारी फल है। तो बच्चों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।